दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही एक लड़की जब अपने घर जाती है तो फ्लैट की चाबी मकान मालिक के बेटे को देकर जाती है। ऐसा उसने कई बार किया था। करीब 3 महीने पहले मकान मालिक के बेटे ने इसका फायदा उठाते हुए लड़की के कमरे और बाथरूम में 2 स्पाई कैमरे फिट कर दिए। जब लड़की को कुछ शक हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक छात्रा को पहली बार शक तब हुआ जब वह अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी। उसके व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसकी वजह से उसे शक हुआ। दरअसल कई मैसेज ऐसे थे जो उसने कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन जब उसने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो मैसेज पर नीला टिक लग चुका था। दिल्ली पुलिस के DCP अपूर्वा ने बताया कि छात्रा को इसके अलावा भी कुछ संदिग्ध गतिविधि अपने व्हाट्सएप नंबर पर समझ आई। इसके बाद उसने अपने किसी जानकार को यह बात बताई। जब उसने लड़की का व्हाट्सएप अकाउंट चेक किया तो उसने बताया कि यह अकाउंट किसी और लैपटॉप पर एक्टिवेट है। पुलिस की जाँच में यह बात सामने आई कि लड़की करण के ऊपर पूरा विश्वास करती थी और वो उसके फ्लैट पर आया जाया करता था, तो अंदेशा इस बात का है कि किसी दिन वह मौका देखकर उसने पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सएप को स्कैन कर अपने लैपटॉप पर लॉगिन कर लिया और तभी से वह छात्रा के सभी मैसेज पढ़ रहा था। वहीं जब दिल्ली पुलिस ने करण से पूछताछ और छानबीन की तो करण के पास से पुलिस को स्पाई कैमरा और साथ ही साथ 2 लैपटॉप मिली जिसमें वह रिकॉर्डिंग वीडियो स्टोर किया करता था। दरअसल जो स्पाई कैमरा करण ने छात्रा के घर लगाया था वह स्पाई कैम रिमोट से या ऑनलाइन जुड़े नहीं थे, इसलिए करण को किसी न किसी बहाने लड़की के फ्लैट की चाबी लेने की कोशिश किया करता था ताकि वह चिप में मौजूद सारा डेटा ट्रांसफर कर सके। वहीं दिल्ली पुलिस को करण के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी करण दिव्यांग है, पिछले 7 साल से UPSC की तैयारी कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अकेले फ्लैट में रह रही छात्राओं और महिलाओं को सतर्क और सजग रहने और साथ ही साथ अनजान लोगों पर या किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास न करने की सलाह दी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।